हेलो बच्चों, आई होप यू आर स्टडिंग वेल। और हमारा टॉपिक सेल ओवर हो गया है। अब हमारा काम क्या है कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें और फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करें। ओके, और रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम बार बार जो भी हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको टाइम टू टाइम रीड करें और डायग्राम प्रैक्टिस करें। सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर डायग्राम, यू हैव टू रीड द फर्स्ट चैप्टर अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। एंड आर सेकेंड चैप्टर इज, हेडिंग वैसे ही डाल रखी है मैंने, इट इज टिश्यू। ओके बच्चों, नाउ बच्चों, यू नो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज। ओके, ऑल द वाइटल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स, यस, एग्जाम्पल्स आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। मीन्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वॉट अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यस, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ओके, अलग अलग सेल्स जो होंगी ऐसे ग्रुप बना लेंगी और दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, एंड इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस, ऑल द वाइटल फंक्शंस। या ग्रुप में जब एक पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड, ब्लड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके बच्चों, तो इस ब्लड का फंक्शन क्या है? ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ये हम सपोज मान लेते हैं आरबीसीज, ये सपोज मान लेते हैं हम डब्ल्यूबीसीज, दीज आर सपोज प्लेटलेट्स। तो दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप विच इज नोन एज ब्लड, अ टिश्यू। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वॉट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। तो जो ब्लड काम कर सकता है वो आपकी मसल्स तो नहीं कर सकती, आपकी बोन्स तो नहीं कर सकती, आपका स्टमक तो नहीं कर सकता। ओके, तो ब्लड क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड हो गया फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन। यानी कि जो ब्लड का काम है वो कोई और नहीं कर सकता और किसी और का काम ब्लड नहीं कर सकता। तो ब्लड क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विच विल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, एंड दिस फेनोमिना इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल शो डिवीजन ऑफ लेबर, दैट्स वाई वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके बच्चों, तो ये टर्म हमें याद रखना पड़ेगा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे शो डिवीजन ऑफ लेबर इन विच अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, विथ पॉसिबल हाइएस्ट एफिशिएंसी। ओके बच्चों, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंस के साथ में वो सिस्टम, वो ग्रुप, वो काम करेगा। ओके, जैसे स्कूल में भी पर्टिकुलर ग्रुप है कॉयर का, कॉयर ग्रुप है ना, वो एनुअल फंक्शन पर या कोई भी फंक्शन होता है तो उस टाइम पर सिंगिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ग्रुप हो गया, वो स्पेसिफिक हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया गिविंग परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन स्कूल। ओके, पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया हमने स्कूल में, हाउसेज जो होते हैं, गंगा हाउस, यमुना हाउस, टैगोर हाउस। ओके, तो इस तरीके से हाउसेस भी होते हैं, वो भी एक ग्रुप है, दे आर परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसी बॉडी के अंदर भी ग्रुप्स होंगे एंड दिस ग्रुप्स आर नोन एज टिश्यूज। तो हम टिश्यूज को यहाँ पर क्या कर देते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। वॉट इज टिश्यू? डेफिनेशन में जाएंगे। ओके, तो टिश्यू इज अ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज ग्रुप
ऑफ सेल्स क्या होगा, विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, विथ सिमिलर स्ट्रक्चर, ओके, ऑर्गेनाइज टू डू अ कॉमन फंक्शन, ऑर्गेनाइज्ड टू डू अ कॉमन फंक्शन, जो कि कोई कॉमन फंक्शन करेगा, ओके. एंड स्टडी ऑफ टिश्यू, पेन अच्छे से चल नहीं रहा, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ओके. वॉट इज हिस्टोलॉजी? इट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है कॉम्पिटिशन के हिसाब से. एंड टर्म वॉज कॉइंड बाय, ये टर्म जो दिया टिश्यूज का, किसने कहा इन अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू किसने कहा, टर्म ऑफ टिश्यू, ओके. टिश्यू टर्म वॉज कॉइंड बाय बाइकार्ट, बाइकार्ट, ओके. ये चीजें कुछ अच्छे से याद करने की है. टर्म टिश्यू वॉज कॉइंड बाय बाइकार्ट, ओके. चार्ट नहीं बोल देना, बाई चार्ट नहीं, बाइकार्ट, ओके. डेफिनेशन हो गई, टर्म गिवन बाय हो गया, और किसने टिश्यूज की स्टडी को कहते क्या है. अब बच्चों जो टिश्यूज हैं, दे आर हाउ मेनी टाइप्स, ऑफ कोर्स अब हमारे पास में दो तरीके के तो मेजर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट एंड एनिमल्स, ओके. इन्हीं को ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जो हमारे जो टिश्यूज हैं वो कितने टाइप के हो गए बच्चों, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से हो जाएंगे, वन इज प्लांट टिश्यू, ओके. एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे तरीके के होंगे, दे आर ऑफ मैनी टाइप्स. तो प्लांट टिश्यूज एंड सेकेंड एनिमल टिश्यूज, वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, ओके. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, ओके. बच्चों डिफरेंस क्या है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. डिफरेंस तो हो गई, यू हैव सीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, देयर परफॉर्मेंस ऑल्सो, सो डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट टिश्यूज, ओके. तो हम यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड सेकेंड एनिमल, देखो फैन चला रखा है ना उसकी वजह से सब पेपर्स उड़ रहे हैं, एनिमल टिश्यूज, और ये रहा हमारा डिफरेंशिएटिंग लाइन. ये होने क्या वाली है, क्या होंगे ये, कैसे होंगे भाई, डेड, मोस्टली डेड होंगे, डेड, अबंडेंट एंड सपोर्टिव टिश्यू, डेड सपोर्टिव टिश्यूज, ओके, आर मोर अबंडेंट, अबंडेंट डी ए एन टी अबंडेंट एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यूज. अगर टिश्यूज से एनिमल टिश्यूज से कंपेयर करें तो ये मोस्टली डेड होंगे और सपोर्टिव होंगे. समझ में आ गई बात, एनिमल टिश्यूज मोस्टली कैसे होंगे, लिविंग टिश्यूज होंगे, मोर कॉमन एज कंपेयर टू टू डेड टिश्यूज. राइटिंग तो समझ में आ रही है ना बच्चों, डेड टिश्यूज,
ओके टिश्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, यहाँ भी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या होगा, अगर प्लांट टिश्यूज हैं तो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ओके दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। और यहां क्या होगा, रिक्वायर मोर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ आप ऐसे कर लेते हो तो दिखाई देगा। ओके थर्ड क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ओके यानी कि अगर ये बने हुए हैं तो सेल्स कैसी होंगी, सिंपल होंगी, ओके और यहां क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यानी कि जो टिश्यूज होंगे, जो सेल्स बना रही हैं इनको, दे आर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड अप टू पर्टिकुलर ऑर्गन, यानी कि कुछ खास जो टिश्यू होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गन में ही होगा। जैसे कि कार्डियक टिश्यू है वो कहाँ होगा भाई, वो हार्ट, हार्ट में होगा, वो ब्रेन में नहीं हो सकता, ओके नर्वस टिश्यू है एनिमल्स में वो ज़्यादा कहाँ होगा, वो ब्रेन में ज़्यादा होगा, जो कि कार्डियक टिश्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ये इनका कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट the plant tissues and animal tissues on basic level, basic differences हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, हम पूरा plant tissues पढ़ेंगे, animal tissues पढ़ेंगे तो इसमें हमें differences और भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये on the basis of their organization या nature या maintenance level अगर इसकी बात करें तो it is having three differences, okay? I hope कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप इसको रेगुलरली पढ़िए और टिल देन बाय बाय।